ओके तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं ओरिजिन स्टोरी ऑफ जैक ओ लैंटर्न। तो वैसे तो मैंने स्पाइडरवर्स की सीरीज शुरू करी थी, लेकिन नीचे कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे जैक ओ लैंटर्न की ओरिजिन के, सो मैंने सोचा चलो पहले ये कर देते हैं। तो भाई अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ओरिजिन स्टोरी ऑफ जैक ओ लैंटर्न। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर, बिकॉज आई कीप ब्रिंगिंग ओरिजिन स्टफ एवरी डे। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके तो मार्वल यूनिवर्स में टोटल 5 जैक ओ लैंटर्न है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे आखिर वाले एंड सबसे मेन जैक ओ लैंटर्न की। सो ये वाला जैक ओ लैंटर्न बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब था एंड इसे जानवरों को मारने में एंड उन्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था राम ज्यादा। एंड इसका मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल था हेलोवीन, जहाँ पे ये जैक ओ लैंटर्न वाला हेलमेट पहनकर हेलोवीन मनाया करता था। लेकिन इसके पेरेंट्स इसके बारे में जानते थे तो इसलिए वो इसे बाहर नहीं जाने देते थे। तो एक दिन वो चोरी छुपे हेलोवीन पे जैक ओ लैंटर्न की कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकल जाता है एंड एक घर में जाके ट्रिक और ट्रीट मांगता है। तो वहां से निकलता है क्राइम मास्टर एंड वो आते ही जैक ओ लैंटर्न के मुंह पे स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है एंड उसे अपने घर के अंदर ले जाता है एंड वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए रख लेता है। एंड फिर वो उससे दोस्ती करता है एंड उसे अपने बेटे की तरह पालता है एंड धीरे धीरे उनमें दोस्ती होने लगती है एंड जैक ओ लैंटर्न क्राइम मास्टर को ही अपना असली पिता मानने लगता है एंड खुशी खुशी वहां पे रहने लगता है। एंड जब जैक ओ लैंटर्न थोड़ा बड़ा होता है तो क्राइम मास्टर उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाता है एंड उसे एक प्रोफेशनल असैसिन बना देता है। सो इसके बाद जैक ओ लैंटर्न अपने असली माँ बाप के घर जाता है एंड उसके माँ बाप उसे देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर में एक भयानक सीन में बदल जाती है जब जैक ओ लैंटर्न अपने ही असली माँ बाप को मार कर उनका सर काट कर उनका दिमाग निकाल के उनके अंदर कैंडल्स लगा देता है एंड उन दोनों को जैक ओ लैंटर्न की तरह बना देता है। एंड ये फर्स्ट टाइम था जब जैक ओ लैंटर्न ने कुछ ऐसा किया था। एंड इसके बाद उसका जैक ओ लैंटर्न के साथ ऑब्सेशन होने के कारण वो अपनी अपीयरेंस को भी वैसा ही बनाता है। वो अपने लिए एक उड़ने वाली झाड़ू बनाता है जिसमें आग लगी हो, एक हेलमेट जैक ओ लैंटर्न वाला जिसमें आग हो एंड अपने लिए कुछ मिनी डेवी रोबोट्स बनाता है जो कि काफी ज्यादा डेडली है एंड टाइम आने पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होके अपने एनिमी को खत्म कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वो बहुत सारी एसिड वाली कैंडीज बनाता है जो कि वो अपने दुश्मन के मुंह पर फेंकता था एंड उनके मुंह को जला देता था। एंड इसके अलावा उसने एक जेली जैसा एक उड़ने वाला ग्रीन गोस्ट भी बनाया था जो कि अपने दुश्मन को पकड़कर उन्हें अपने अंदर ही फंसा लेता है। एंड इसके बाद जैक ओ लैंटर्न ने मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले पहले 4 जैक ओ लैंटर्न्स को भी मार डाला था एंड उनका भी वही हाल किया था जो उसने अपने माँ बाप का किया था। एंड फिर कुछ टाइम के बाद क्राइम मास्टर जैक ओ लैंटर्न को एक टास्क देता है जो कि था रशिया में जाकर एक रशियन साइंटिस्ट को पकड़ कर लाना। एंड सेम उसी मिशन पे उस वक्त था एजेंट वेनम एंड एजेंट वेनम उस रशियन साइंटिस्ट को पकड़ भी लेता है एंड उसे ले जाने वाला होता है कि तभी वहां पर जैक ओ लैंटर्न आता है एंड वो एजेंट वेनम को अपने ग्रीन गोस्ट में फंसा कर उस रशियन साइंटिस्ट को उड़ा कर ले जाता है। लेकिन तभी पीछे से एजेंट वेनम अपना वेब उस साइंटिस्ट की ओर फेंकता है एंड वो वेब उसके मुंह पर जा लगता है। तो इधर एजेंट वेनम अपना जोर लगाता है एंड उधर जैक ओ लैंटर्न अपना जोर लगाता है एंड इसी जबरदस्ती में उस रशियन साइंटिस्ट की गर्दन टूट जाती है एंड वो वहीं पर मारा जाता है। तो अब दोनों का मिशन फेल हो चुका है तो इसलिए वो एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालते हैं लड़कर एंड एजेंट वेनम जैक ओ लैंटर्न को काफी धोता है एंड उसे मारने वाला होता है कि जैक ओ लैंटर्न अपनी उड़ने वाली झाड़ू बुलाकर सीधी एजेंट वेनम में दे मारता है। एंड इसके बाद इसी बात का फायदा उठा के वो एजेंट वेनम के ऊपर चढ़ जाता है इन अ गुड वे एंड अपने हथियार से उसे मारने की कोशिश करता है। बट उसी वक्त एजेंट वेनम जैक ओ लैंटर्न के सूट में से एक बॉम्ब निकालकर जैक ओ लैंटर्न के हेलमेट में घुसा देता है एंड इसके बाद वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है एंड क्योंकि वो उसके हेलमेट में था इसलिए उसका हेलमेट पूरी तरह से टूट जाता है एंड इसी के साथ उसका मुंह भी बहुत बुरी तरह से जल जाता है। तो इसके बाद वो लड़ने की हालत में नहीं था तो इसलिए जैक ओ लैंटर्न अपना झाड़ू बुलाकर उस पर बैठकर उठकर वहां से भाग जाता है एंड उसका मुंह उस बॉम्ब के कारण बहुत ज्यादा बुरी तरह से जल चुका था एंड उसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा भयानक हो गई थी। तो जैक ओ लैंटर्न कसम खाता है कि अपनी हालत का बदला वो एजेंट वेनम से जरूर लेगा। तो वो सरकारी फाइल्स ढूंढता है, उसमें पता चलता है कि एजेंट वेनम फ्लैश थॉम्पसन है। तो इसके बाद जैक ओ लैंटर्न फ्लैश थॉम्पसन को एक सेवर में बुलाता है जहां पर फ्लैश थॉम्पसन जाकर देखता है कि उसके मरे हुए फादर की बॉडी को जैक ओ लैंटर्न निकाल कर बाहर ले आया है एंड उसका सर काट के उसके अंदर उसने कैंडल्स लगा के उसे भी जैक ओ लैंटर्न बना दिया है। तो ये देखिए एजेंट वेनम को बहुत गुस्सा आता है एंड उसी वक्त जैक ओ लैंटर्न भी वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है एंड इमोशनल हुए फ्लैश थॉम्पसन को काफी बुरी तरह से पीटता है। बट अपने फादर की ऐसी हालत देख के फ्लैश थॉम्पसन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक ही पंच में जैक ओ लैंटर्न का हेलमेट तोड़ देता है एंड इसके बाद वो जैक ओ लैंटर्न को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उसे वहीं पर मार डालता है।
बट चमत्कारिक रूप से जैको लैंटर्न मरता नहीं है, वो सर्वाइव कर जाता है एंड उसके बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है। बट इसके बाद वो जेल से भी निकल जाता है एंड अगला उसके टास्क मिलता है डेडपूल को पकड़ने का। तो इसके बाद वो डेडपूल के पीछे जाता है लेकिन डेडपूल उससे भी बड़ा संकी था, तो वो गोली मारकर जैको लैंटर्न का भेजा वहीं पे उड़ा देता है एंड जैको लैंटर्न को मार डालता है। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। तो इसके बाद जैको लैंटर्न जाता है नर्क में एंड नर्क में उसे मिलती है हेल लेडी, जो कि उसे कहती है कि अगर वो उसका काम करेगा एंड उसके कहने पे एक आदमी को मारेगा तो वो उसे नर्क से आजाद कर देगी। तो जैको लैंटर्न ये शर्त मान जाता है एंड वो इंसानी दुनिया में वापस आता है उस शख्स को मारने, एंड वो इंसान कोई और नहीं होता बल्कि वो होता है गॉस्ट राइडर, एंड गॉस्ट राइडर को हराना तो नामुमकिन है। तो इसलिए गॉस्ट राइडर अपने मिस्टिकल वेपन यूज करके जैको लैंटर्न को हरा देता है एंड उसे वापस नर्क में भेज देता है क्योंकि यही उसका काम था। एंड इसके बाद जैको लैंटर्न आज तक मार्वल यूनिवर्स में कभी नहीं दिखा, विच मीन्स वो अभी तक नर्क में ही फंसा हुआ है एंड आज के टाइम तक भी वो नर्क में ही सड़ रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ जैको लैंटर्न। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर मार्वल फ्रेंड्स ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। तो आप अगली कौन सी ऑरिजिन वीडियो देखना चाहते हैं नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो आपको पता होगा कि मैंने स्पाइडरमैन की स्पाइडरवर्स ऑरिजिन सीरीज स्टार्ट करी है। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइडरमैन की ऑरिजिन ही डिमांड करें ताकि मैं वो अपनी सीरीज जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँ। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।